चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ओवरी। सो व्हाट इज ओवरी? ओवरी एक फीमेल गोनेड है। इट इज ए फीमेल गोनेड इन विच फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस, जिसमें क्या बनते हैं फीमेल गैमेट्स। अच्छा, फीमेल में बात करूँ तो कौन सा? ओवा। एंड इन मेल्स दैट इज स्पर्म। तो इसमें बनते हैं फीमेल गैमेट। अच्छा, ओवा जो टर्मली यूज करते हैं वो है प्लूरल टर्म है, जो बहुत सारे बनते हैं ओवरी में। ये ओवम जो है वो सिंगुलर टर्म है ड्यूरिंग ओजेनेसिस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या बनता है? ओवम। क्या बनता है? ओवम। सो तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस, तो कौन सा? ऊसाइट। विच वन? दैट इज सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट बनता है। अच्छा, ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये बनता है कैसे है, कहाँ बनता है, ये सब ओव्यूलेशन का पार्ट है, तो इसको हम देखेंगे ओव्यूलेशन में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ओवरी का वह है ओवेरियन फोसा। ओवरी कहाँ पे लाइज करती है? इट लाइज इन ओवेरियन फोसा। अच्छा, उससे पहले ओवेरियन फोसा थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज ओवेरियन फोसा? तो ओवेरियन फोसा होता क्या है? देखो, फोसा मतलब गड्ढा, कोई भी गड्ढा। सो ओवेन, अगर हम बॉडी को मिड सजाइटल मतलब बॉडी को ऐसे हाफ में काटें जो कि दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट में बॉडी को डिवाइड कर दे, लेकिन हम ओवेन बॉडी को लेकिन लेटरल अगर देखें, लेटरल व्यू देखें, तो मिड सजाइटल से ना थोड़ा लेफ्ट होके अगर काटें, सजाइटल काटें लेफ्ट के थ्रू, तो हमें अगर इस पार्ट को ऊपर बाहर निकाल दिया जाए तो कैसा व्यू आएगा? दिस वन, ये ओवेरियन फोसा। अच्छा, इसके रिलेशन अगर देखें तो एंटीरियर में ओवेरियन फोसा, ये है ओवरी। अगर ओवरी के रिलेशन अगर हम देखें तो एंटीरियर क्या करेगा? ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी से, इसके एंटीरियर में क्या है? ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। अच्छा, ऑब्लिकल अम्बिलिकल आर्टरी ये कुछ कुछ नहीं, रेमिनेंट होता है ड्यूरिंग बर्थ। आर्टरी का रेमिनेंट जो बच्चा कुछ हिस्सा होता है वो बाद में क्या हो जाता है? ऑब्लिटरेटेड। सो अगर पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर क्या है ओवरी के? दैट इज यूरेटर। यूरेटर है और क्या है? इंटरनल इलियक आर्टरी से। पोस्टीरियर में और क्या है ओवरी के? इंटरनल इलियक आर्टरी। तो ये थोड़ा हमें ओवेरियन फोसा समझा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म पे आते हैं। इन नलीपेरस वोमेन ओवरी इज नियरली वर्टिकल। इज नियरली वर्टिकल सी, ये है नली पेरिस। अच्छा, नली पेरिस मतलब, नली पेरिस का मतलब क्या होता है? नली पेरिस जो वोमेन, ऐसी वोमेन जो हैजंट गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, मतलब जिन्होंने अभी तक चाइल्ड को बर्थ नहीं किया हो, तो उनकी ओवरी कैसी दिख रही है हमको? नियरली वर्टिकल। अच्छा, इन मल्टी पेरिस वोमेन ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। मल्टी पेरिस जो वोमेन हैविंग मोर देन वन चाइल्ड, उनमें क्या दिखेगी? हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल कैसे होती है, क्यों हो जाती है, इसका रीजन देखते हैं। इट इज हॉरिजॉन्टल इन मल्टीपेरस वोमेन सी, एज द यूट्रस ग्रो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन साइज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस जब ग्रो करता है साइज में, तो क्या होता है? ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट पुल्ड बाय द ओवरी, या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट पुल्ड करते हैं किसको? ओवरी। जैसे कि यूट्रस का साइज ग्रो करता जाता है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट पुल्ड खींचते हैं ओवरी को, जिससे कि इसका साइज कैसा हो जाता है, कैसा अपीयर करता है हमको? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दिखता है। नेक्स्ट। अच्छा, ये हमारा हो गया नली पेरस एंड मल्टी पेरस वोमेन कैसी ओवरी का साइज एंड शेप होता है। सी, अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स। चलो कुछ टर्म देखते हैं, जैसे ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है? ब्रॉड लिगामेंट कुछ नहीं, यूट्रस को, जैसे यूट्रस को पेल्विक वॉल से जोड़ते हैं। ब्रॉड लिगामेंट वो लिगामेंट होते हैं जो यूट्रस को पेल्विक वॉल से जोड़ते हैं, यूट्रस को उसकी सिचुएशन में बनाए रखते हैं। अच्छा, ब्रॉड लिगामेंट के पार्ट अगर देखें तो मीजोवेरियम उसमें से एक आता है, मीजोसाल्पिंग्स आता है। अच्छा, मीजोमेट्रियम, पहले हम बात करें मीजोवेरियम। मीजोवेरियम हम आगे देखेंगे, अभी हम समझ लेते हैं मीजोसाल्पिंग्स क्या होता है। अच्छा, साल्पिंग्स मतलब व्हाट? साल्पिंग्स मतलब ट्यूब। मीजोसाल्पिंग्स बिटवीन ट्यूब, किस किस के? फेलोप, दिस वन इज फेलोपियन ट्यूब,
एंड दिस वन इज लिगामेंट ऑफ ओवरी। तो मेसोसाल्पिंस किसके बीच बीच में लाई करेगा? फैलोपियन ट्यूब एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। सेकंड है मेसोमेट्रियम। अच्छा मेसोमेट्रियम क्या होता है? मेसोमेट्रियम ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट, वो वाला पार्ट है जो कि लिगामेंट ऑफ ओवरी के नीचे लाया करता है, मतलब इसके नीचे, मतलब ये वाला पार्ट क्या रहेगा? दिस वन इज मेसोमेट्रियम, दिस वन मेसोमेट्रियम। अच्छा मेसोमेट्रियम बाद में डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है लिगामेंट ऑफ ओवरी। व्हाट इज लिगामेंट ऑफ ओवरी? लिगामेंट ऑफ ओवरी क्या होते हैं? लिगामेंट ऑफ ओवरी जो ओवरी का जो लोअर पोल है उससे लिगामेंट ऑफ ओवरी अटैच करते हैं, और कहाँ पे ज्वाइन करते हैं? यूट्रस के लेटर साइड पे, जो मतलब कनेक्ट करते हैं ओवरी को उसके लोअर पोल से यूट्रस पे। और अगर देखें तो यूट्रस पे कहाँ पे? जहाँ से फैलोपियन ट्यूब ओरिजिन करता है उसके पोस्टीरियर और इन्फीरियर साइड में ये लिगामेंट अटैच होता है। कौन सा लिगामेंट ऑफ ओवरी? मतलब किसके? फैलोपियन ट्यूब के पोस्टीरियर और इन्फीरियर में ये लिगामेंट अटैच होता है। दिस वन इज लिगामेंट ऑफ ओवरी। अब समझते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट ये भी एक ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट ही है जो कि अपर पोल ऑफ ओवरी से एक्सटेंड करता हुआ कहाँ तक जाता है? पेल्विक वॉल तक। मतलब ये एक सस्पेंसरी लिगामेंट अपर पोल ऑफ ओवरी और फैलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम पार्ट से होते हुए कहाँ पे ज्वाइन करते हैं? पेल्विक वॉल पे, लेटरल पेल्विक वॉल पर। अच्छा सस्पेंसरी लिगामेंट से क्या पास होती है? ओवेरियन आर्टरी, ये वो सस्पेंसरी लिगामेंट। मेसोसाल्पिंस हम देख चुके हैं, अब आते हैं एक्सटर्नल फीचर्स पे। एक्सटर्नल फीचर दो पोल्स होते हैं, अपर पोल लोअर पोल। अपर पोल्स को ट्यूबल पोल भी कहते हैं, लोअर पोल, लोअर पोल को यूट्राइन पोल कहते हैं। दो बॉर्डर एंटीरियर पोस्टीरियर, दो सरफेस मीडियल लेटर। पहले बात करते हैं अपर पोल की। अपर पोल किस किस से रिलेट करता है? यूट्राइन ट्यूब से और एक्सटर्नल इलियक वेन से। यूट्राइन ट्यूब अपर पोल ऑफ ओवरी के क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब। ये रहा फैलोपियन ट्यूब ओवरी के अपर पोल पे क्या है? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब से निकलता हुआ ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्री। इसको टर्म देते हैं हम ओवेरियन फिम्ब्री, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि ओवा को रिसीव करने का काम करता है। तो ओवेरियन फिम्ब्री हो गया, दूसरा यूट्राइन ट्यूब हो गया, तीसरा एक्सटर्नल इलियक वेन। अच्छा एक्सटर्नल इलियक वेन थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज दिस इज इन्फीरियर वेना केवा, दिस इज इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, कौन कौन सा? कॉमन इलियक वेन्स, दोनों क्या होती हैं? कॉमन इलियक वेन्स। अच्छा कॉमन इलियक वेन्स फर्दर टू पार्ट्स में स्प्लिट करेगी, कौन कौन सी? इंटरनल इलियक वेन्स एंड दैट इज एक्सटर्नल इलियक वेन। अच्छा अगर 3D भी होता तो इसको बहुत ईजी होता था समझने में, वे इट इज एक्सटर्नल इलियक वेन्स रिलेट। सो अब भी हम समझ सकते हैं, देखो ओवरी के अपर पोल से क्या रिलेट कर जाएगी? एक्सटर्नल इलियक वेन। और फोर्थ वन इज सस्पेंसरी लिगामेंट ओवरी, जो हमने देखा था अभी। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी कहाँ से निकल रहा है? अपर पोल ऑफ ओवरी से। अब आते हैं, अच्छा इसका अपर पोल ब्रॉडर भी होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर पोल। अगर बात करें हम लोअर पोल की, ये नैरोवर होता है एज़ कम्पेयर टू अपर पोल, और रिलेट किससे कर जाएगा? पेल्विक फ्लोर से, पेल्विक फ्लोर से, दिस वन पेल्विक फ्लोर से। अच्छा अब हम आते हैं इसके बॉर्डर्स पे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर को एक और नाम देते हैं हम मीजोवेरियन बॉर्डर। क्या? मीजोवेरियन बॉर्डर। अच्छा एंटीरियर बॉर्डर मीजोवेरियन कैसे? एंटीरियर बॉर्डर की क्या क्या रिलेट करेगी? यूट्राइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। एंटीरियर बॉर्डर से क्या? फैलोपियन ट्यूब रिलेट कर जाएगी, एंटीरियर फैलोपियन ट्यूब एंड ऑब्लिट्रेटेड अम्बिलिकल आर्टरी एंड दिस वन ऑब्लिट्रेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। अच्छा मेसोवेरियन थोड़ा समझ लेते हैं, मेसोवेरियन होता क्या है? मेसोवेरियन ओवरी, सपोज दिस इज दिस वन इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। दिस इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर ऑफ पोस्टीरियर सरफेस
एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियर ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंड दिस वन इज ओवरी, दिस वन इज ओवरी, ओवरी का ये वाला कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर सरफेस, एंड दिस वन एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रॉड ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के पोस्टीरियर सरफेस एंड दिस इज ओवरी का पोस्टीरियर सरफेस, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक पेरिटोनियम का फोल्ड होता है जिसको मीजोवेरियन कहते हैं। अच्छा ओवरी में सिर्फ ये ही, क्या सिर्फ मीजोवेरियन ही ऐसी जगह है जो कि पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होती, बाकी पूरी की पूरी ओवरी किससे कवर्ड रहती है, पैरेटल पेरिटोनियम से, पेरिटोनियम से कवर्ड रहती है, सिर्फ ये मीजोवेरियम के हिस्से को छोड़कर। अच्छा इस मीजोवेरियम से क्या के पास होता है, नर्व्स आर्टरीज वगैरह आती भी हैं और निकलती भी हैं। और इसका पोस्टीरियर सरफेस देखें, पोस्टीरियर बॉर्डर देखें, पोस्टीरियर बॉर्डर किससे रिलेट कर जाएगा, यूट्राइन ट्यूब से, यूट्राइन ट्यूब एंड यूरेटर से, लेटरल सरफेस, और मीडियल सरफेस की बात करते हैं। अच्छा इसका मीडियल जो सरफेस होता है, मीडियल सरफेस कवर होता है यूट्राइन ट्यूब से, दिस वन इज मीडियल सरफेस, और ये किससे कवर रहेगा, यूट्राइन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब से, और पैरेटल पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। जबकि इसका लेटरल सरफेस होता है, लेटरल सरफेस क्या होता है, इसका लेटरल सरफेस रहेगा ओवेरियन फोसा से रिलेटेड, विच इज लाइन बाय पैरेटल पेरिटोनियम, विच इज पैरेटल बना। अच्छा एक और बात समझते हैं, मीडियल मीडियल सरफेस में, मीडियल सरफेस में एक रिसेस पाई जाती है, इट इज द पेरिटोनियल रिसेस, एक टर्म आता है ओवेरियन वर्सा, ओवेरियन वर्सा, ओवेरियन वर्सा कहाँ से कहाँ तक होते हैं, दिस वन इज मीडियल सरफेस ऑफ ओवरी एंड दिस वन इज मीजोसाल्पिंग्स, मीजोसाल्पिंग्स और मीडियल सरफेस ऑफ ओवरी के बीच में एक रिसेस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल रिसेस। अच्छा ये जो पेरिटोनियल रिसेस है ये ओवेरियन वर्सा बनाती है, यहाँ पर ओवेरियन वर्सा इज नॉट अ फ्लूइड फिल्ड सैक, यहाँ पे ओवेरियन वर्सा क्या है, फ्लूइड फिल्ड सैक नहीं है, इट इज़ ओनली रिसेस पार्ट, ये समझने की बात है। जैसे हम देखते हैं वर्सा, जैसे सोल्जर जॉइंट वगैरह में क्या है, और फ्लूइड भरा रहता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दिस दिस इज़ ऑल अबाउट ओवेरियन वर्सा। ये हमारे एक्सटर्नल फीचर्स ख़त्म हुए, नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सप्लाई। अब हम बात करते हैं कि ओवरी को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, ओवेरियन आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच है, एब्डोमिनल एओर्टा की। अच्छा एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है, हम बाद में डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल एओर्टा को। एब्डोमिनल एओर्टा के लेटरल साइड से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं गोनेडल आर्टरी। सो गोनेडल आर्टरी मेल में टेस्टिकुलर और फीमेल में दैट इज ओवेरियन आर्टरी, ये सप्लाई करती है ओवरी को। अच्छा ओवरी को दूसरी आर्टरी आर्टरी भी सप्लाई करती है, दैट इज़ यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी सप्लाई करती है, जो किसकी ब्रांच है, इंटरनल लेग आर्टरी की। अगेन एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल एओर्टा का पार्ट है ये, दो टर्मिनल ब्रांच होती हैं, एक्सटर्नल इलेक, दैट्स वन इंटरनल इलेक आर्टरी, जो कि इसको सप्लाई, इसकी ब्रांच होती है, ब्रांच दैट इज अगेन वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज कौन सी वेन है इसको ड्रेन करती हैं, दैट इज राइट, अगर राइट साइड में देखा तो इन्फीरियर वेना केवा, राइट साइड में जो ज़्यादा नज़दीक है, जो जो ज़्यादा नज़दीक है वो वेन उसी में ड्रेन कर देगी, मतलब राइट ओवेरियन वेन किस में ड्रेन करती है, आईवीसी इन्फीरियर वेना केवा में, जबकि लेफ्ट ओवेरियन वेन किस में ड्रेन करती है, लेफ्ट रेनल वेन में, ये हो गया इसका वेनस ड्रेनेज। नेक्स्ट कम टू लिम्फेटिक ड्रेनेज। अच्छा लिम्फेटिक ऑफ यूट्राइन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब और फंडस वाला जो पार्ट होता है यूट्रस का, ये किस में ड्रेन करते हैं, प्री एओर्टिक नोड एंड लेटरल एओर्टिक नोड्स में, प्री एओर्टिक नोड्स एंड लेटरल एओर्टिक नोड्स में। नेक्स्ट कम टू नर्व सप्लाई। अच्छा नर्व सप्लाई रीनल एओर्टिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, एक प्लेक्सिस होता है हाइपोगैस्ट्रिक, दो नर्व सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर। अच्छा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर T10 टू T11, थोरेसिक 10 टू थोरेसिक 11, दैट इज वैसोमोटर इन एक्शन,
ये कैसे होती है एक्शन? वैसो मोटर जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं पेन सेंसेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन सेंसेशन। नेक्स्ट वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, और ये सप्लाई है करते हैं S2, S3 एंड S4, Sacral 2, 3 एंड 4। और ये फाइबर कैसे होते हैं? वैसो डायलेटर, दिस फाइबर है वैसो डायलेटर। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरी, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। सो नेक्स्ट टाइम पे हम अगला टॉपिक देखेंगे। सो जब तक थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।